एकम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, होली का त्यौहार आ गया है, यानी कि रंगों का त्यौहार ते खुशियां का त्यौहार। हर एक त्यौहार के पीछे एक कहानी होंदी है, इतिहास होंदा है ते नाल ही बहुत सारिया मानतावां भी होंदिया ने। जेकर असी होली की गल करिए ते होली नू वख-वख देशां दे विच ते वख-वख प्रांतां दे विच वख-वख तरीकियां दे नाल मनाया जांदा है, पर होला महला ते होलिका दहन पूरे विश्व विच प्रसिद्ध ने। सब तो पहला असीं गल करांगे होले महल्ले दी, क्योंकि होली ते होले महल्ले दे विच बहुत फर्क है। होली है रंगां दा त्यौहार ते होला महला है खालसाई जाहो जलाल दा प्रतीक। होले महल्ले दी पिरक पाई से श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने। श्री आनंदपुर साहिब दी पवित्र धरती ते होले महल्ले दा त्यौहार हर साल मनाया जांदा है ते लखां दी गिनती विच संगतां इत्थे हर साल नतमस्तक हुंदियां ने। जेकर असी शाब्दिक अर्थ दी गल करिए तां होला अरबी भाषा दा शब्द है ते महल्ला फारसी भाषा दा शब्द है। होला हूल होल यानी कि इस शब्द दा अर्थ हुंदा है सीस तली ते तरना ते माड़े कम्मां दे प्रति जूझना, ते महल्ला शब्द दा शाब्दिक अर्थ हुंदा है बनावटी लड़ाई। यानी कि होले महल्ले दे विच वख-वख दल बनावटी लड़ाई करदे ने ते शस्त्र विद्या दे जौहर विखाउंदे ने, करतब दिखाउंदे ने। हुण असीं गल करदे हां होलिका दहन दी। इस दे पिछे भी एक कहानी है, इतिहास है। एक वारी राजा होया सी हरनाक्षप, बहुत ही हंकारी। वो अपने राज दे विच सिर्फ अपनी ही पूजा करवांदा सी ते किसे नूं भी आग्या नहीं सी किसे भी होर परमात्मा या देवता दी पूजा करन दी। फिर उसनूं औलाद दी प्राप्ति हुंदी है, पुत्र दा नां रख्या जांदा है प्रहलाद, ते ओह परमात्मा नूं मन्नन वाला हुंदा है। वो अपने पिता दे कहे ते अपने पिता दी पूजा नहीं करदा। बस फिर किसी पिता पुत्र दे दरमियान एक जंग शुरू हो जांदी है। वो जंग जिस दे विच पुत्र नूं डराया जांदा है, धमकाया जांदा है, पर जदों पुत्र अपने ही पिता दी गल नहीं मानदा ते उसका पिता फैसला करदा है अपने पुत्र नूं मारन दा। जी हाँ, अपनी उसकी एक भैन हुंदी है जिसका नाम सी होलिका। होलिका नूं वरदान मिलिया सी कि अग उसनूं साड़ नहीं सकेगी। उसनूं एक चादर मिली हुई सी कि जेकर वो ये चादर पा के अग दे विच बैठ जाएगी तो कदे भी नहीं सड़ेगी। बस फिर किसी होलिका अपनी गोदी विच प्रहलाद नूं लैके बैठ जाती है, पर जिवें ही अग लगाई जाती है वो चादर उड़ के प्रहलाद ते पै जाती है। होलिका सड़ जाती है ते प्रहलाद बच जाता है। इस तरीके दे नाल बुराई दे उत्ते सच्चाई दी ते चंगियाई दी जित हुंदी है। उस दिन सारे त्यौहार मनाउंदे ने, खुशी मनाउंदे ने। इस तरीके दे नाल होला महला ते होलिका दहन पूरे विश्व विच प्रसिद्ध ने। पर इस तो इलावा साडे भारत विच वख-वख राज ने जिथे होली नूं वख-वख तरीकियां दे नाल मनाया जांदा है। ब्रज दी होली पूरे विश्व विच प्रसिद्ध है, क्योंकि इस दिन फुल्लां दे नाल भी होली खेडी जांदी है। मर्द अपनियां औरतां नूं रंग लगांदे ने ते औरतां डंडियां दे नाल अपने मर्दां नूं कुटदियां ने। इसे तरीके दे नाल महाराष्ट्र दी होली भी बहुत ही फेमस है। उस दिन टोलियां बना के लोग घर घर जांदे ने, रंग मलदे ने ते नाल ही कहिंदे ने बुरा ना मानो होली है। पर दोस्तों, होली दा त्यौहार मनाउण वेले बहुत सारियां गल्लां दा ध्यान भी रखना चाहीदा है, जिवें कि अजकल जो रंग ने ये बनावटी भी आंदे ने, इन्हां विच मिलावट कीती जांदी है, मिठाइयां दे विच भी मिलावट हो जांदी है, ते इस तो इलावा गुरेज करना चाहीदा है नशियां तो। होली दा त्यौहार रंगां दा त्यौहार है, खुशियां दा त्यौहार है, इसलिए इसनूं बड़ी ही खुशी दे नाल मनाउणा चाहीदा है। क्या चाहुंदा है, इस दिन लोग अपनी नफरत नूं भुल के दूजियां नूं गले लगाउंदे ने। इसलिए असीं चाहुंदे हां कि इह होली दा त्यौहार तुहाडी जिंदगी विच खुशियां दे रंग लैके आवे। सो एकम परिवार वल्लों तुहानूं सारिआं नूं होली मुबारक।